हेलो हेलो ओके मालिक, ओके ओके। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर ले मालिक, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर ले मालिक। ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मालिक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग प्रेरणा, गुड मॉर्निंग समीक्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मालिक, गुड मॉर्निंग तोड़ मालिक। बढ़िया बढ़िया, गुड मॉर्निंग। तो ऑडियो और वीडियो बराबर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं मालिक। ओके सेकंड, बढ़िया मालिक, बढ़िया। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। तो चलो चलिए शुरू करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर द कंटेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग अ स्ट्रेटेजी। एंड चेयर्स को भी यार, गुड मॉर्निंग। हाँ तो मालिक, एक बार मैं इसको एक बार 1 मिनट में स्टार्ट कर दूं मालिक। हाँ ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक, अपन ने कल जब शुरुआत की थी, अपन ने चैप्टर वन की शुरुआत की थी। चैप्टर वन की शुरुआत मतलब एक्चुअली चैप्टर वन के ऊपर मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया, लेकिन चैप्टर वन के बारे में मैंने आपको बताया। साउंड नॉट स्मूथ मालिक, आज थोड़ा सा टेक्निकली, क्योंकि मैं उसको माइक को एडजस्ट कर रहा हूँ कब से, लेकिन वो हो नहीं रहा है। मैंने माइक तो नया वाला लगा दिया है जिसमें आवाज का पॉइंट है। आई एम जस्ट आज थोड़ा सा आज के लेक्चर के लिए एडजस्ट मार दीजिए। ओके मैं इसको स्मूथ करवा देता हूँ, बिकॉज दिस माइक में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। सम सेटिंग्स ऑफ दैट ओबीएस जिसके अंदर ये स्ट्रीमिंग हो रहा है, उसके अंदर कुछ तो सेटिंग्स करनी थोड़ी सी चेंज रहेगा। ओके बट मेरे को ये बताइए, कुछ मतलब एकदम पूरा खराब आ रहा है क्या आवाज? पूरा आवाज खराब नहीं आ रहा ना, मतलब थोड़ा सा क्योंकि वो कल वाला माइक मैंने चेंज किया, बिकॉज वो आवाज फट रही थी ऐसा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट दैट इज एग्जैक्टली आई एम यूजिंग इट आउट। ओके सर, सह लेंगे सह लेंगे, थोड़ा सा सह लेंगे, आज के लिए थोड़ा सा सह लीजिए। ओके इसको पूरी तरह सेटिंग करवाता हूँ आवाज के लिए, आवाज की जो भी सेटिंग होगी वो मैं तोड़ करवाता हूँ आज दोपहर तक। ओके तो मालिक बेसिकली, मालिक परफेक्ट, तो थोड़ा सा पॉइंट, तो बेसिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग कल्चर बेटर होनी चाहिए, बट ये है कल जो था उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर होगी आज। ओके तो मालिक बेसिकली स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी के लिए अपन ने डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट होता है या लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होता है, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन या डेस्टिनेशन सोचना है। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैंने बताया मैनेजमेंट दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज यहां पर किया है। मैनेजमेंट मतलब एक ऐसा जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस लिया जा रहा है, एक इन्फॉर्म्ड प्रोसेस। बेसिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड प्रोसेस को अपन डिस्कस करते हैं। तो इन्फ्लुएंस्ड एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर अपन कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ कमांड करते हैं, कुछ इवेंट को डायरेक्ट करते हैं,
और ये जो इन्फ्लुएंस है वो हमें नॉलेज से आता है, कॉम्पिटेंस से आता है, पावर से आता है, रिसोर्स से आता है। इसके बाद अपन जो बात करते हैं कि भाई यार इसको अपन ने डिफाइन किया एक मैनेजरल प्रोसेस है। इसके बाद अपन ने एक डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होगा। तो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरल प्रोसेस है जिसके अंदर टोटल 5 चीजें होती है। हम लोग एक विजन मिशन गोल बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बाद हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं और उसके करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यहां पर मैंने आपको जब बताया तो मैंने आपको बताया दो कॉन्सेप्ट अलग अलग रखना, दो कॉन्सेप्ट मतलब एक टेक्निकली पॉइंट है। अगर मैंने आपको बोला स्टेजेस इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके स्टेजेस इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मालिक, क्या बोला मैंने, स्टेजेस इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर मालिक, ओके इट्स तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने आपको ये बताया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगर डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन में आप ये 5 चीजें नहीं लिखोगे, 4 लिखोगे। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अगर मैंने स्टेजेस बोले तो स्टेजेस के अंदर आप टोटल 5 चीजें लिखोगे। तो स्टेजेस अपने लिए एक आगे के चैप्टर में कवर होगा, ओके, और डेफिनेशन अपन चैप्टर 1 में कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेशन में अगर आपको याद होगा तो डेफिनेशन में ये लिखा था, इसे मैनेजरल प्रोसेस जिसके अंदर हम विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं और हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं इवैल्यूएट करने के बाद। अपन ये डेफिनेशन कल बारे में लिखा, ओके, तो अब टेक्निकली अपन जा रहे हैं चैप्टर 1 की तरफ, जहां पर अपन चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। मैंने आपको कल बताया था सर टोटल 5 चैप्टर अपने सिलेबस के हैं, अगर आपको याद होगा 5 चैप्टर की लिंक मैंने कैसे समझाए थे, मैंने आपको ऑल टुगेदर बताया था 5 चैप्टर की टेक्निकली आंसर ये होंगे, विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा मतलब यानी पहला पॉइंट है स्टेज 1, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर इज बेसिकली अबाउट स्टेज 2 जहां पर हम एनालिसिस करेंगे, चौथा चैप्टर इज बेसिकली हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे जहां पर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, एंड पांचवा चैप्टर इज बेसिकली हम स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। और मतलब मैं जब मैं और बोल रहा हूं तो हिंदी का और होता है मालिक, तो भारत माता की यही ये ध्यान रखना व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। तो अपना चीज या अच्छा बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, अभी आपका कोई कॉन्सेप्ट आएगा कि सर व्हाट अबाउट द चैप्टर्स, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, यानी क्या क्या पोजीशनिंग है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको ये समझा दूं क्लियरली आपका, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए May 24 ये एग्जामिनेशन का पहला अटेम्प्ट है, तो ये एग्जामिनेशन के लिए जो ये 50 मार्क्स का सिलेबस है ये आपके लिए कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, यानी ये एग्जामिनेशन एट हुक और क्रूक आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपके लिए कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है। देखिए एक दो अटेम्प्ट, एक दो चार अटेम्प्ट तक है ना कोई पैटर्न बनाना बहुत मुश्किल होता है, पैटर्न बनाने के लिए हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, ओके। अभी आप बोलोगे सर आप पिछला वाला डेटा ले सकते हो ना, लेकिन पिछले वाले डेटा में अपन ने यहां पर कंबाइन किया हुआ है, तो कंबाइन करने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ओके, कुछ चीजें चेंज है, जहां पर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, तो ये चेंजेस का इंपैक्ट कितना रहेगा ये क्वेश्चन पॉइंट है। हाँ, बट डेफिनेटली चैप्टर के अंदर जाने के बाद मैं आपको ये क्लियर बता सकता हूं कि ये एलिमेंट तोड़ इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, मतलब आएगा, ये क्वेश्चन नहीं ये तोड़ इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, मतलब आएगा, ये चीजें मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, आपने पांचों के पांचों चैप्टर को बहुत तोड़ प्रिपेयर करना है, यानी पांचों चैप्टर में से कहीं पर भी आपको 19-20 होने का काम का नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी बंदा यहां पर ऐसा नहीं बोलेगा सर एक काम करेंगे, यानी एक आध चैप्टर थोड़ा सा 19-20 हो गया। देखिए टेक्निकली आंसर एकदम सिंपल है, ओके, अगर अपन पहली बात अगर अपन रिपीट एग्जाम दे रहे हैं, ओके, पहला चीज ध्यान रखिए अगर अपन रिपीट एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज बी श्योर दैट आई शुड बी वेरी टेक्निकली क्लियर, बिकॉज ऐसा ना हो जाए यार मैं खाली अटेम्प्ट अटेम्प्ट देते बैठ रहा हूं, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, दिमागी तौर पे एकदम क्लियर रखना होगा कि अपना ये एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट आखिरी होना चाहिए इंटरमीडिएट के लिए, एंड विद दैट पर्टिकुलर परसेप्शन आपने प्रिपरेशन करना चाहिए, ओके। आप कोई दूसरे और रीजन नहीं दे सकते मालिक, ओके, आपको ये ध्यान में रखना होगा, तो यहां पर आपको 100% प्रिपेयर करना है, एंड
सेकेंडली ओके जो पहली बार एग्जामिनेशन ले रहा है उनके लिए ऑप्शन क्या है भाई यार, तुम पूरी मेहनत करो ना यार, हार्डकोर मेहनत करो, खत्म करो एग्जामिनेशन ओके। अब कोई बोलेगा सर मेरे को थियोरी नहीं जमती, मेरे को खाली प्रैक्टिकल जमता है। देखिए ओके ये जो आप बोल रहे हो थियोरी नहीं जमती प्रैक्टिकल जमता है ये सब है ना ओके, दूसरे सब्जेक्ट के लिए ठीक है मैं मान सकता हूँ, लॉ के लिए मान सकता हूँ, ऑडिट के लिए मान सकता हूँ, जहां पर लैंग्वेज आपको लीगल रखनी पड़ती है, जहां पर लैंग्वेज या कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। स्टडी मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है यार भाई साहब, यहां पर ये चैप्टर्स ये कॉन्सेप्ट समझ में आते गए, कीवर्ड्स याद रखते जाइए आराम से लिख पाओगे, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है मालिक। यहां पर आपको ऐसे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मालिक ओके। तो मेक इट श्योर आप जो समझ रहे हो कि आप बस इसको अच्छे से याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एप्लीकेशन समझिए एंड दैट्स इट, यू आर डन विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओके। तो इसके ऊपर चर्चा चालू करते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से जिनके पास बुक आ गई है गुड इनफ बुक आ गई है तो आपको ऑलरेडी बुक है ही, जिनके पास बुक नहीं आई है तो मैंने चैप्टर वन की एक सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी कल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी हुई है, वहां से आप ले सकते हो सॉफ्ट कॉपी का कॉन्सेप्ट। तो चालू करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूर फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओके। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ईओबी बैच यानी जो बैच होने वाली है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये अपनी मेन बुक को यूज कर रहा है, यानी इसके लिए कोई भी रिवीजन बुक यूज नहीं की जा रही है। इसके अलावा आपको एक स्टार्ट बुक दी जाएगी जो मैंने आपको बताया कि समराइज होगी 10 पेज 10-11 पेज के अंदर पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा। तो जैसे ही चैप्टर एंड होता है उसके बाद मैं चार बुक के स्ट्रक्चर में आपको बता दिया करूंगा, और चार बुक में से एक बार चैप्टर पूरा गो थ्रू कर दिया करूंगा ओके। तो बढ़िया से सबसे पहले चालू करते हैं चैप्टर वन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एवरी वन आई डू थिंक होपफुली इज रेडी विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रक्चर वाइज आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मेरे साथ कंटेंट में रहना है, आपको फटाफट टेक्निकली ओके, जब मैं फटाफट बोल रहा हूं मतलब आप मेरे साथ में रह के आप टेक्निकली टेक्स्ट बुक के थ्रू गो थ्रू करके तोड़ करिए ओके। जिधर मैं लिख रहा हूं कुछ लिख रहा हूं वो आपको लिखना है, आप लिख के रहिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको आप यूज कर सकते हैं। पहला सिनेरियो ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर भाई साहब ओके अपनी एग्जाम होने के बाद देख लेना ओके, तो कोई लॉजिक नहीं है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टेक्निकली यहां पर आपको तीन डेफिनेशन समझाए हुए, तीन कॉन्सेप्ट समझाए हुए। पहला कॉन्सेप्ट होगा मैनेजमेंट, सेकंड होगी स्ट्रेटजी और थर्ड होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओके। तो पहले मैनेजमेंट के ऊपर देखते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर मैंने कल समझा दिया है, उसी को थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर ओके। पहला पॉइंट ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था मैनेजमेंट दो सेंस में लिया जाएगा। तो देखिए दो सेंस क्या दिया है, पहला सेंस इट इज यूज्ड विद द रेफरेंस टू ए की ग्रुप इन ए ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स ओके। यानी यहां पर एक की ग्रुप के बारे में बात की जाती है, मैनेजमेंट मतलब एक ऐसा की ग्रुप है जो ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज ऑफ अफेयर्स रहेगा, यानी यार ऑर्गेनाइजेशन को जो काम करने वाला बंदा रहेगा उसको भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं ओके। पहला कॉन्सेप्ट यहां पर ये रेफरेंस दिया गया है। इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज ए चीफ ऑर्गन Entrusted with task of making it purposeful and productive entity by undertaking task of bringing together, okay, and integrating the disorganized resources of manpower, money, material and technology, which are then combined into functioning as a whole. यानी एक management एक ऐसा ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो disorganized resource होते हैं, वो सारे disorganized resource को man, money, material, power ये सारी resource को integrate करते हैं, combine करते हैं और एक purposeful direction देते हैं, एक purpose के लिए बनाते हैं। तो पहला definition management का। सर क्या ये डेफिनेशन अपने को एग्जाम में लिखने को आएगा, आई डाउट ओके। सिलेबस इतना सारा है, इतना कंटेंट है, और उसमें से क्या ये डेफिनेशन लिखने को आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग पॉइंट है। अगर इंस्टीट्यूट ये डेफिनेशन पूछती है तो इससे बेहतर तुम्हारी किस्मत कुछ नहीं होती भाई, क्योंकि ये डेफिनेशन में कोई दम नहीं है, डेफिनेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डेफिनेशन में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है मालिक ओके। आप समझ रहे हो, यानी इसमें कोई बहुत ऐसा लॉजिकली कुछ अप्लाई करना है ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता है मालिक यहां पर ओके। अगला पॉइंट, अगला डेफिनेशन का और एक लॉजिक देखिए मैनेजमेंट का। द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विथ रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, यानी कुछ ऐसे इंटर रिलेटेड फंक्शंस और प्रोसेसेस है जो कैरिड आउट करते हैं, कौन कैरिड करता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द की ग्रुप जो ऊपर बताया हुआ है, यानी जो फंक्शंस और प्रोसेसेस है इनको कैरी करने के लिए जो ऊपर लोग बताए थे वो लोग इसको फंक्शन करते हैं, उसको भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं। These functions included planning, organizing, directing, staffing and controlling. These functions or sub-process of management are wide-ranging but closely interrelated. ठीक है मालिक, इधर तक तो मेरे को कोई लगता नहीं दिक्कत आनी चाहिए, और इसके बाद वाला डेफिनेशन सबसे तोड़ याद रखना चाहिए और ये आपने एक्चुअली रट लेना चाहिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये काम आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं 100% आएगा लेकिन आ सकता है। सर क्या है डेफिनेशन,
तो अपना स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब क्या? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट मतलब क्या मालिक? सारी आत्मा मेरे साथ, मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब ओके, कीवर्ड्स कीवर्ड्स, और इसको आप सबने हाईलाइट करना है ओके। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, यानी एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, यानी इन शॉर्ट ये बोलते हैं प्रोसेस ही है, प्रोसेस ही है जो चीजों को होने देता है, कमांड लेता है ओके, और एक इवेंट्स या पीपल को डायरेक्ट करता है इन पर्टिकुलर मैनर ओके। सो मैनेजमेंट मतलब एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है जो ओके आपको कल रखने के लिए बोला था, वही कॉन्सेप्ट है, जो चीजों को होने देता है, मेक थिंग्स हैपन ओके। सेकंड, टेक ए कमांड ओवर, कमांड लेना मतलब कंट्रोल लेना ओके, एंड टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल ओके। इंड्यूस करता है, डायरेक्ट करता है पीपल को कि काम कैसे करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर बैंक में गए तो बैंक में भाई साहब जो बैंक कैशियर है, क्या वो अपनी मर्जी से काम करता है या एक प्रोसेस से काम करता है? वो प्रोसेस से काम करता है ओके। उसको भी अपन बोलते हैं एक मैनेजर है ना, बैंक, बैंक का डिपॉजिट मैनेज हो रहा है ओके। ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बनाने वाला कौन है? उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग कॉन्सेप्ट। तो प्रोसेस को बनाने वाला जो है बंदा ओके, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय, तीन चार चीजें याद रखनी चाहिए। पहला पॉइंट ओके, जो बंदे के पास पावर है, उस बंदे के पास कॉम्पिटेंस है, जो बंदे के पास नॉलेज है, उस बंदे के पास रिसोर्स है। यानी सर, जिसने ये प्रोसेस बनाए है, ये कोई लेमैन टर्म नहीं है। कल वाले डिस्कशन में किया था मालिक, वो लेमैन बंदा नहीं है, वो बंदा तोड़ पावरफुल है, बंदा वो तोड़, उसके पास नॉलेज है, तोड़ कॉम्पिटेंसी है, उसके पास तोड़ रिसोर्सेस है। मैनेजर फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, वैल्यूज एंड स्ट्रेटजीज टू कोप अप, टू अडैप्ट एंड टू एडजस्ट देमसेल्व्स विद द बिहेवियर एंड चेंजेस इन एनवायरमेंट ओके। सर, व्हाट दिस टेक्निकल लाइन, लास्ट लाइन मींस, शायद आपको याद होगा सर, कल मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव होनी चाहिए या रिएक्टिव होनी चाहिए? मेरे को सोच समझ के बताइए मालिक ओके। जब मैं बोल रहा हूं प्रोएक्टिव रिएक्टिव, मैंने कल वाले एंड में समझाया था, प्रोएक्टिव मतलब प्लान में से जाना चाहिए या कुछ चेंजेस हुआ उसको रिएक्ट करना चाहिए ओके। तो याद रखना, मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो प्रोएक्टिव भी होनी चाहिए और रिएक्टिव, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए मालिक। बस ये लाइन आप इसको देखिए, वापस देखिए इसको, मैनेजर फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स वैल्यूज एंड स्ट्रेटजीज, यानी मैनेजर ओके ये स्ट्रेटजीज बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं ओके, वैल्यूज बनाते हैं, टू कोप अप विद, टू अडैप्ट ओके, टू एडजस्ट देमसेल्व्स विद द बिहेवियर एंड चेंजेस इन एनवायरमेंट, यानी ताकि वो एनवायरमेंट के चेंजेस को अडैप्ट कर सके। इसीलिए लॉजिकली ओके, जब मैं ये बोल रहा हूं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन इस पार्ट में आपने तोड़ रख लेना चाहिए मालिक, रेदर देन इसको थोड़ा सा मोर प्रिसाइज बताऊं तो इतना वाला पार्ट आपका रटा हुआ होना चाहिए, जो मैंने मार्क किया ना, ये रटा हुआ होना चाहिए। एवरीबडी क्लियर ओके? ये हो गया मैनेजमेंट। अब आते हैं अपन सेकंड कॉन्सेप्ट में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी ओके। मैनेजमेंट के होने के बाद स्ट्रेटजी की बात करते हैं। स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत सारी पंचायती है, और थोड़ी सी पंचायती को आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा सर। क्यों? एमसीक्यू ओके। थियरी में एक ही क्वेश्चन आप पकड़िए स्ट्रेटजी के ऊपर, सर थियरी में, स्ट्रेटजी के ऊपर बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेटजी के ऊपर एक ही क्वेश्चन इस पोर्शन के ऊपर आ सकता है। क्या हमें ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, क्या ऐसा ब्लेंड जाना चाहिए? क्या ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए, स्ट्रेटजी रिएक्टिव होनी चाहिए? ऐसा एक सवाल आ सकता है, तो आपको यह आंसर लिखना पड़ सकता है कि भाई स्ट्रेटजी शुड बी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव ओके। बट ओके, कुछ एमसीक्यू है, कुछ की कंटेंट है, कुछ की वर्ड्स है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे तो आपका ये एक पेज, उसके अगला पेज, उसका अगला पेज, यानी अप्रोक्सीमेटली अपन के लिए ढाई पेज ओके ये डिस्कशन करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो शांति से चलिए, घाई मत करिए ओके। जैसे मैंने आपको बताया ओके, आराम से जाइए, बिकॉज टेक्निकली क्या है ओके, थोड़ा सा अपन आगे पीछे भी करें तो एक आधा एक घंटा आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, मतलब टोटल में। तो आप आराम से पढ़ते जाइए, कोई डाउट आ तो बताते जाइए, लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताऊं, सारी की सारी बुक के पेजेस खत्म करिए। नहीं देखिए यार भाई, 180-190 मतलब 200 पेज की बुक होगी यार, तो भाई पूरा एकदम तोड़ खत्म करिए मालिक। तो सबसे पहला ओके, अपन बात करते हैं स्ट्रेटजी के इसमें। तो सर स्ट्रेटजी क्या है ओके? द वेरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रेटजी इन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंडेड टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉस्ट बाय चेंजेस इन द एनवायरमेंट। यानी ओके, मेन आइडिया स्ट्रेटजी का डालने का मेन ये रीजन है कि जो एनवायरमेंट के जो चेंजेस, उसको भाई साहब उसको हमारे लिए कुछ सरप्राइजेस ना आए। यानी कौन सी स्ट्रेटजी? प्लान स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी सीक्स टू रिलेट गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन means of achieving them okay। बस हमें गोल्स अचीव करना है, मेन पॉइंट ये रेड किया हुआ है ये, अगेन ये डेफिनेशन से ज्यादा मेनली एमसीक्यू के कंटेंट में। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान
that management of business uses to take market position, to conduct its operation, to attract and satisfy customer, to compete successfully and to achieve organizational objective. Okay, अब देखिए आराम से जाइए. स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान है. स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान है जिससे मैनेजमेंट क्या करता है, ओके, मार्केट अपनी तरफ लेता है, ऑपरेशंस करता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, कंपीट करता है एंड ऑब्जेक्टिव सेट करता है. कितने कीवर्ड, ओके, स्ट्रैटेजी वर्ड वापस लिखते जाइए. स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान है. वापस बोल रहा हूं एमसीक्यू के लिए, बहुत दिमाग थोड़ी है अपने पास भाई साहब. और देखो टेक्निकली जब सिलेबस 5 ही चैप्टर का है तो एमसीक्यू हर एक चीज में आ सकता है. इसलिए टेक्स्ट बुक को थोड़ा मॉड्यूल बेस्ड, पूरी मतलब एग्जैक्टली मॉड्यूल बेस्ड का कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है. तो ध्यान रखिए स्टडी एक गेम प्लान है जो कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है. क्यों, ताकि वो मार्केट उसके पास आ सके, ताकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना ऑपरेशन कर सके, ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो कस्टमर के साथ में कंपीट कर सके. कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेके जा रहेगा उसके सामने कंपीट कर सके एंड मां कसम अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके. तो एक गेम प्लान जो मैनेजमेंट बनाता है जिससे मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपीटिंग एंड लास्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव अपन हासिल कर सके, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी मालिक. लेकिन वो एक डेफिनेशन के साथ में आपको अभी तोड़ रटने वाला डेफिनेशन वो ये है वी मे डिफाइन द टर्म स्ट्रेटजी एज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन डेस्टिनेशन. ओके, घाई मत करना. मतलब अभी सर आप बोल रहे हो आपने ऊपर डेफिनेशन एक पढ़ाया था स्ट्रेटजी का, स्ट्रेटजी एक गेम प्लान है, अभी बोल रहे हो स्ट्रेटजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है. देखो ये वर्डिंग्स का हेर फेर है. लेकिन जब हमें कोई थियोरी आएगी, एवरीबडी हियर, सारी आत्मा मेरे साथ, अगर हमें कोई थियोरी आती है तो थियोरी में हमें जो आंसर लिखना है वो ये वाला रहेगा जो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको. ये वाला आंसर अपने को थियोरी में जाना चाहिए, ये वाला ऊपर वाला नहीं, गेम प्लान वाला नहीं, ब्लूप्रिंट वाला. अगर बाय चांस मैंने आपको बोला भाई यार समझा ये स्ट्रेटजी क्या होती है, मैंने आपको बोला क्या स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए या रिएक्टिव होनी चाहिए, अगर मैंने ये आपको पूछा तो आपका ये आंसर बनेगा, ओके, ये पहले आप लिखोगे स्ट्रेटजी होती क्या है मालिक. एम आई क्लियर मालिक, ये लॉजिक क्लियर है सबके लिए. तो स्ट्रेटजी होती क्या है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो स्ट्रेटजी के लिए अगर मैं बोलूं, स्ट्रेटजी के लिए अगर मैं बात करूं, सारी आत्मा मेरे साथ मालिक, एवरीबडी सारी आत्मा तोड़, समझ में आ रही क्या मालिक. ओके, तो स्ट्रेटजी का डेफिनेशन कौन सा रखना है लिखने के लिए, थियरी लिखने के लिए स्ट्रेटजी का कौन सा डेफिनेशन रखना है, थियरी लिखने के लिए कौन सा स्ट्रेटजी का डेफिनेशन रखना है, ये वाला. तो सर ये वाला क्यों पढ़ा, एमसीक्यू, इसके नीचे आप पढ़ोगे वो क्यों, एमसीक्यू या 2 मार्क के कोई क्वेश्चन जो नाम के साथ आएंगे. तो सर आगे क्या बोला हुआ है, अब आपको एक 2 नाम आपको दिए जाते हैं, एक है एंसोफ और एक है ग्लूक. ओके, इगोर एच एंसोफ और एक है विलियम एफ ग्लूक. ओके, ये दोनों बंदे सर कहां पर है, एंसोफ आपको आगे मिलेगा, एंसोफ आगे आपको चैप्टर 4th में मिलने वाले हैं. एंसोफ के कॉन्सेप्ट में अपने को एक एंसोफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा. ग्लूक एंड लॉरेंस, ओके, ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा है जहां पर ग्लूक एंड लॉरेंस इन्होंने स्ट्रेटजी बताई है, शायद एक आपने देखा होगा. ओके, स्ट्रेटजीज की कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्ट्रेटजीज आपकी जो बनाई गई है दैट इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए, रिट्रेंचमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है वो ग्लूक ने बनाया हुआ है. तो भाई साहब विलियम ग्लूक एंड भाई एंसोफ इन्होंने स्ट्रेटजी को कैसे डिफाइन किया वो भी एक एडिशनली आपको दिया हुआ है. तो बात कर लेते हैं एंसोफ क्या बोलते हैं. द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट्स दैट डिफाइन द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज और प्लान टू बी इन फ्यूचर. जिसको ऑलरेडी जिसने ऑलरेडी एग्जाम दिया होगा बाई चांस नवंबर 2023 में, उनको मालूम है एक एंसोफ का मैट्रिक्स होता है जिसमें मार्केट शेयर और मार्केट के ऊपर, मार्केट और प्रोडक्ट के ऊपर ये लोग डिसाइड करते क्या करना चाहिए, नए मार्केट में एंट्री करनी है, ओके, नए प्रोडक्ट लेके आना है या पुराने मार्केट में नए प्रोडक्ट को लेके आना है, या पुराना मार्केट और नए प्रोडक्ट, ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क करना है, कैसे करना है, ये एंसोफ बताते हैं. If you are aware, you will remember this. Okay, तो अब यहां पर एनसॉफ क्या बोलते हैं, एनसॉफ बोलते हैं स्ट्रेटजी मतलब the common thread जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी और प्रोडक्ट और मार्केट इन दोनों के बीच में है.
कॉमन थ्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है और ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है और किसके बीच में, प्रोडक्ट और मार्केट के बीच में है, ये ध्यान में रखिए। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है और वो प्रोडक्ट मार्केट उनका कैसा है, इन दोनों का जो कॉमन थ्रेड है ओके वो उनके इसमें एसेंशियल नेचर डिफाइन करता है बिजनेस का, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान्ड फॉर। यानी जो मैं काम कर रहा हूं और जिस मार्केट के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूं, इनके बीच में जो कॉमन थ्रेड है ये मेरे स्ट्रैटेजी को डिफाइन करता है। ये मेरे स्ट्रैटेजी को डिफाइन करता है, कुछ समझ में आ रहा मालिक? तो द कॉमन थ्रेड बिटवीन माय काम मतलब मैं जो काम कर रहा हूं और जो मैं बिजनेस और मार्केट या प्रोडक्ट के साथ ध्यान दे रहा हूं, इन दोनों को जो लॉजिकली लिंक करता है, जिसके लिए मैंने प्लानिंग बनाई है, हम उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। टेक्निकली वैसे ही है। शायद आपको एक आंसर मैं बताऊं, अब मेरे को बताओ, अगर मैं नए मार्केट में जाता हूं पुराना प्रोडक्ट लेके, तो शायद आपने सुना होगा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं मालिक? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके सॉरी, मार्केट डेवलपमेंट। नए मार्केट में जा रहा हूं और पुराना प्रोडक्ट लेके जा रहा हूं, इसको अपन बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। लेकिन मैं वही मार्केट में हूं लेकिन नया प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो टेक्निकली ओके अगर मैं कुछ चीजें जो पहले ऑनलाइन नहीं बेच रहा था, अब सपोज मैं ऑनलाइन बेचने लग गया मालिक, मैं क्या बोला, मैं ऑनलाइन नहीं बेच सकता, अब मैं ऑनलाइन बेचने लगा, तो मेरे को बताओ क्या ऑनलाइन का नया मार्केट मेरे पास आया है? आंसर इज यस। तो मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? मेरा कॉन्सेप्ट हुआ मार्केट डेवलपमेंट। तो यहां पर मेरे लिए मार्केट डेवलप हुआ है ओके मैं पहले से ऑनलाइन में था, लेकिन मैंने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट, और मैंने उस ऑनलाइन मार्केट में वो प्रोडक्ट को दिया, इंट्रोड्यूस किया, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके अब मेरे को बताओ, अब ये मेरा जो प्लानिंग रहेगा, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी रहेगी, क्या इस रिलेटेड ही काम करेगी? अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट मेरे को मार्केट में लॉन्च करना है, यानी मेरे को प्रोडक्ट डेवलप करना है, क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के काम उसी एंगल से होने चाहिए? एंसॉफ वही बताता है, कि भाई साहब ओके जो कॉमन थ्रेड है कि आपके काम में और प्रोडक्ट और मार्केट ओके जो डिफाइन करता है कि आपका नेचर कैसा है, जिसके लिए आपने प्लानिंग की है, हम उसको स्ट्रेटजी बोलेंगे ओके। और ग्लूक क्या बोलता है? ग्लूक ओके ग्लूक एंड लॉरेंस ये कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं हमेशा। ग्लूक एंड लॉरेंस ओके इन्होंने एक स्ट्रेटजीज चॉइसेस बताए हुए थे। अब यहां पर यह क्या बोलते हैं? यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। ओके एक यूनिफाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है, डिजाइन टू एश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव्ड। यानी आपका एक प्लान है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले हो, हम उसको स्ट्रेटजी बोलेंगे। तो टेक्निकली ग्लू का आंसर आता है कि जो आप प्लान बनाते हो वो एक स्ट्रेटजी होती है। तो एक ये दो डेफिनेशन आपके पास आया, तो टोटल अपने पास डेफिनेशन कितने रखने के है? एक डेफिनेशन जो कॉमन है, जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं अभी हाथ से, ये डेफिनेशन आपको हमेशा लिखना है कोई भी क्वेश्चन में आया, और ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है अगर इनके लिए दो दो मार्क के क्वेश्चन आए तो। क्योंकि देखिए आपका 15 मार्क का एमसीक्यू होगा, उसके बाद जो 35 मार्क है उसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा जो 5 मार्क का होगा, जिसमें 3 मार्क या 2 मार्क का कॉन्सेप्ट होगा मालिक। ओके तो इस कॉन्सेप्ट में अपने को यह ध्यान रखना होगा मालिक। धीरज भाई माय वॉइस इज नॉट स्मूथ, मेरे ख्याल से आज के लिए मैंने आज ये बोला, आज के लिए मैंने माइक भी चेंज किया हुआ है, पर वो शायद कुछ सेटिंग्स, इंटरनल सेटिंग्स बराबर नहीं है, तो उस सेटिंग्स को अपने को चेंज करना होगा। सेटिंग्स मैं आज चेंज करवाता हूँ, कल बहुत बेटर हो जाएगी। मैंने माइक चेंज करा दिया, कल का माइक पता नहीं है, मतलब वो यूट्यूब पे आ रहा है या क्या है उसके वजह से, बट मेरे बाकी सब लेक्चर्स तो बराबर हो रहे थे, तो कल के माइक को मैंने चेंज किया, आज नया माइक लगाया, लेकिन वो स्मूथ नहीं है, वो कुछ होगा, वो शायद एकदम बहुत ये पॉइंट नहीं है, तो थोड़ा सा आज का एक मतलब ऑलमोस्ट एक हाफ एन आवर का कंटेक्स्ट है, उतना सा आप थोड़ा सा एडजस्ट मार लीजिए मालिक, बाकी कल डेफिनेटली इसको तोड़ हो जाएगा मालिक। ओके तो मतलब इतना मतलब आई नो एकदम ऐसे रफ आ रहा होगा या कुछ है ओके या तो ऐसा हो सकता है वो आवाज बराबर आ रही होगी और मेरा गला गले का प्रॉब्लम होगा, व्हाट एवर इट मे बी, बट ठीक है जो सब बात नेवर्थलेस ओके आई मेक श्योर दैट ये वाला माइक का कॉन्सेप्ट कल स्मूथ कर देगा मालिक। ओके तो नेवर्थलेस ओके ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी डेफिनेशन में। ओके अब सवाल मेरे कुछ सवाल आते हैं ओके एकदम तोड़ इजी सवाल है, अपन के पास बहुत तोड़ स्ट्रेटजी बनाई तो क्या मैनेजमेंट चोमू निकला? ओके चोमू अगर मैनेजमेंट रहा तो चलेगा क्या? ओके मैनेजमेंट भी तोड़ चाहिए। ओके मेरा क्वेश्चन लॉजिक एकदम सिंपल है। ओके अगर स्ट्रेटजी बहुत भारी है, स्ट्रेटजी बहुत भारी है पर मैनेजमेंट चोमू है, चलेगा क्या? आंसर इज नो। कितना भी कर लीजिए, प्लान कितना भी अच्छा होने दीजिए, स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी होने दीजिए, ओके
सर क्वेश्चन केस सिनेरियो आएंगे या डायरेक्ट? ओके आपको टेक्निकली आंसर याद रखना है, ओके आपको क्वेश्चन केस सिनेरियो बेस्डली आने वाले हैं, भूल जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट वाला तो आप छोड़ दीजिए, मानी डायरेक्ट वाली कहानी आप भूल जाइए अभी। अब डायरेक्ट वाली कहानी का लॉजिक रखिए ही मत आप, ये ध्यान में आप पहले से दिमाग में रखिए कि 35 मार्क का क्वेश्चन केस स्टडी आएगा, बात खत्म, इंक्लूडिंग 15 मार्क भी। और मैंने आपको बताया ना, अपन देखेंगे ना सारे का सारा स्टॉल सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज क्यों टेंशन ले रहे हो, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आपको बस टेक्निकली कंपिटेंट रहना है मेरे साथ में। ओके बस केस स्टडी दिमाग में रखते जाइए कि केस स्टडी आएगी मालिक। ओके इज अ पॉइंट क्लियर मालिक? ओके अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैनेजमेंट चूनी निकला और स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन बनाई तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ओके उल्टा करिए, मैनेजमेंट भी बहुत तोड़ है पर स्ट्रैटेजी भंगार है तो भी नहीं चलेगा, ये भी टेक्निकली पॉइंट उतना ही सही है। तो आपको दोनों सही चाहिए, दोनों सही चाहिए मतलब कौन दोनों सही चाहिए, आपको स्टडी भी बेहतर चाहिए और मैनेजमेंट बेहतर चाहिए, इसीलिए एक स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ओके स्ट्रेटजी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है तोड़ मैनेजमेंट का, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का, अलर्ट मैनेजमेंट का। अब आप क्वेश्चन होगा ओके ओके कॉपी पेस्ट आईसीआई मॉड्यूल फेक रिव्यू ओनली कॉपी पेस्ट ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, क्या सुमित क्या बोल रहे हो आप? अच्छा वर्स्ट फैकल्टी, सुमित भाई बोल रहे हैं वर्स्ट फैकल्टी है। ओके कॉपी पेस्ट ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, तो मेरे को बताओ मेरे को आईसीआई मॉड्यूल को तो कॉन्सेप्ट समझाना है सुमित भाई। सुमित भाई अगर वर्स्ट फैकल्टी है तो आप इधर रह क्यों रहे हो? ओके आपको क्या करना है? ओके मतलब आपको क्या करना है, मतलब आपके कुछ प्रॉब्लम है क्या, आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है अभी, आपके साथ में कुछ हुआ है क्या इश्यू? सुमित भाई टेंशन नहीं लेने का, बिंदास एकदम आराम से जिंदगी एकदम आराम से चलती है, कोई टेंशन नहीं है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो आराम से सब सॉर्ट हो जाता है, टेंशन मत लीजिए मालिक। ओके ऐसा ऐसा सिनेरियो, और अगर कुछ और ज्यादा इशू है, मम्मी पापा का इशू चल रहा है तुम्हारा, ओके तो फिर आप डेफिनेटली आप मेरे से मिलिए, थोड़ी टेंशन नहीं है। नहीं नहीं मैं इग्नोर करता हूँ, इग्नोर करने में कोई टेंशन नहीं, तो उसको इग्नोर करवा रहा हूँ ना, उसको बोल रहा हूँ तो इग्नोर कर, समझ रहा है? ओके तो वो और कमेंट करेगा और सुनेगा, उसकी अपनी अपनी बेइज्जती करेगा, आज के डेट में ऑनलाइन की वजह से यही हो गया। अब वो सुमित की औकात कितनी होगी, ओके वो क्या लेवल का होगा, लेकिन क्या डिस्कशन चल रहा है मेरे साथ, ओके जो भी चीज है ठीक है, खत्म करो सर, क्या है, पर अपन को क्या टेंशन लेना, अपने को कोई टेंशन नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम है तो अपन सॉर्ट आउट करेंगे मालिक, यार अपन तोड़ भाई यार सारे सॉर्ट आउट में। ओके तो अब मेरा सवाल ये है, मेरे को ये बताइए, ओके अगर मेरे पास बहुत बेहतरीन स्टडी आ गई और मैनेजमेंट टूट नहीं रहा, चूमी निकला मैनेजमेंट, तो मेरे को बताओ दिक्कत क्या आएगी? अगर मैनेजमेंट चूमी निकला और स्टडी बहुत तोड़ रही तो दिक्कत क्या आएगी मालिक? दिक्कत एकदम बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे को बताओ, स्टडी बहुत बेहतरीन हो गई, ओके और स्टडी जो आपने बनाई वो प्रोएक्टिव थी, प्लान थी, क्या एनवायरमेंट में चेंजेस नहीं होते? क्या एनवायरमेंट में चेंजेस नहीं होते मालिक? होते या नहीं होते? होते ना मालिक, एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं। अब सिनेरियो ऐसा है, जब एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंट में जब आप चेंजेस देखते हो, वो चेंजेस के हिसाब से स्ट्रेटजी को वापस फाइन ट्यून करना पड़ सकता है। अब जैसे एग्जांपल बोले फाइन ट्यून करना पड़ सकता है, यानी एग्जांपल क्या होगा सर, एग्जांपल ये होगा कि अपने को स्ट्रेटजी को वापस चेंज करना पड़ेगा, शायद कल का आपको पांचवा स्टेप याद आए, इवैल्यूएशन करना और करेक्टिव एक्शन लेना। अब मेरा क्वेश्चन है ओके ये कौन करेगा? ओके अगर स्ट्रैटेजी बहुत भारी हुई ओके लॉजिक बेटर के मालिक, स्ट्रैटेजी बहुत भारी हुई लेकिन अब बहुत मैनेजमेंट चोमू निकला तो वो एनवायरमेंट के चेंजेस कैसे अडैप्ट होंगे स्ट्रैटेजी को? इसीलिए अपने को स्ट्रैटेजी बहुत भारी चाहिए लेकिन मैनेजमेंट भी तो भारी चाहिए ताकि वो अलर्ट रह सके, रिस्पॉन्सिबल रह सके। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया मालिक, तो मालिक जीता गया मालिक एवरीबडी। तो पहला पॉइंट ये आपने ध्यान में रखना है मालिक, टेक्निकली ये आपको कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए कि स्ट्रैटेजी है ना मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं है यार, मैनेजमेंट अच्छा चाहिए ही चाहिए, अलर्ट चाहिए, रिस्पॉन्सिबल चाहिए, चोमू नहीं चाहिए अपने को, भारत माता की जय। तो मालिक समझ में आएगा मालिक, एवरीबडी क्लियर? ओके और दूसरा सिनेरियो, ओके क्या स्ट्रैटेजी मैंने ले ली, क्या स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस होती है, क्या स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट होती है? आंसर इज नो यार। अरे अपने प्लान बनाया है मालिक, प्लान बनाने के बाद यार क्या यार, कितनी बार ऐसा होता है अपना प्लान चेंज होता है? अरे अपने रियल लाइफ में प्लान कितनी बार चेंज होता है? एग्जांपल है वो कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर अपन दिखाए, भाई यार अपने पढ़ाई का एक प्लान बनाया होगा, क्या पढ़ाई का प्लान वैसे ही चलता है जैसे बनाया रहता है? नहीं, चेंजेस होते, कभी ना कभी चेंजेस होते। ओके एवरीबडी क्लियर?
सुमित तू यार कमेंट करना छोड़ दे भाई, ओके अपने लेवल के हिसाब से व्यूज इतनी है, अरे गरीब आदमी हूं मैं, ओके अरे भाई गरीब भी हूं है, बट तू अपने पहले अपनी मम्मी माँ से पूछ तू कौन है, मतलब लड़का है लड़की है या क्या भाई, तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरे को मतलब तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तेरे को क्यों जल रही है मेरे से, अरे तेरे को जल क्यों रही है मेरे से, अरे मम्मी पापा से पूछ, अरे कुछ हुआ है क्या मेरी वजह से, मम्मी पापा किसने नहीं ना, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है मम्मी पापा बच्चे पैदा कर देते हैं लेकिन उनको तो भाई साहब मेरे लेवल क्या ये मेरे लेवल पर निकल रहा है तेरे भाई किसी का दोस्त दोस्त है कि सुमित ये वाला सुमित कोई अपने बंदर लोग का तो मालिक तो बढ़िया। अब मेरे को बताइए टेक्निकली बताइए, ओके टेक्निकली लॉजिकली बताइए, ओके सुमित की स्टडी फेल होगी समझ रहा था यार, अरे मेरे व्यू जाने देना, अरे एक भी व्यू नहीं, चल मैं अकेला देख रहा हूं अपने आपको, ठीक है मैं अकेला देख रहा हूं, प्रॉब्लम क्या तेरे को, मैं अरे मैं खुद लाइव होकर मैं खुद एक व्यू बना रहा हूं, ठीक है प्रॉब्लम क्या तेरे लाइफ में भाई, तेरे को मेरे से प्रॉब्लम क्या है समझ रहा है, सुमित को अपने लाइफ से क्या प्रॉब्लम होगा भाई, ओके हो सकता है वो सुमित अगर तेरे को अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे को प्लीज पर्सनली मिल, मेरे पास मेरा नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, पर्सनली मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा भाई, कंफर्म बोल रहा हूं, मतलब मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं बहुत आज के डेट में बहुत ओपन माइंडेड हूं, कोई टेंशन नहीं है, ओके अगर तेरे पास घर से कुछ प्रॉब्लम है पापा मम्मी के और सारे जनों का टेंशन नहीं लगा, सुमित जैसे कोई लोग और होंगे जिनको प्रॉब्लम है घर से प्रॉब्लम पापा मम्मी से, एग्जाम्पल क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर, पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं होता, पढ़ाई का प्रॉब्लम थोड़ा वो इधर आके लिखेगा ना, ओके पढ़ाई का प्रॉब्लम होता तो स्टडी करता है पढ़ता वो, ओके तो ये सीन है, तो कोई भी प्रॉब्लम है पर्सनली मिलिए मालिक, कोई टेंशन नहीं है मालिक, ओके अपन सारी चीज सारे जन के प्रॉब्लम सुना दे मैं तोड़ है मालिक, तो अब अपन भाई साहब सुमित भाई आप निकल जाइए, मेरे को मत दिखिए और मेरी शक्ल इतनी पसंद आ रही है तो भाई यार भाई साहब मेरी शादी हो गई है, मेरे दो बच्चे हैं, ओके अभी मेरी कॉम्प्लिकेशन मत क्रिएट करिए सुमित भाई, और मेरे को अभी तक मैं वैसा इतना ओपननेस मेरे अंदर नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे भाई, ओके मेरे को नहीं मालूम था यार मुझे कोई ऐसा शेट यार तोड़ मैन तो बढ़िया, अरे सुमित भाई अगर सामने रहता तो क्या मजा आता मालिक, क्या एकदम तोड़ मजा आता यार, फेस टू फेस में बैठा रहता है, फेस टू फेस में आता तो एकदम है क्या अब एक एक टेक्निकल पॉइंट की बात करें, अगर एक टेक्निकल पॉइंट की बात करें मालिक, ओके आप सोचिए थोड़ा सा, अगर मैं स्ट्रैटेजी कुछ बनाता हूं या आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, क्या उसमें फेल कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कुछ प्लान किया और उसमें फेल नहीं हुआ, हुआ है चांस हुआ है आप फेल हुए हो कि आप कुछ स्ट्रक्चरलाइज हुए हो, ओके तो उस केस को आपने कैसे डील किया मेरे को ये बताइए, ओके उस केस को आपने स्ट्रैटेजी को या प्लान को मॉडिफाई करके काम किया मालिक, बस टेक्निकली उसी को काम कर रहे हैं मालिक, इसी को बताऊ, ओके तो मेरे ख्याल से ओके एवरीबडी क्लियर ये पा मालिक, ओके तो टेक्निकली अपन जब ये चीज को समझते हैं तो लॉजिकली ओके स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट अपन के लिए ये लॉजिक बिठाना है, तो स्ट्रेटजी के इसमें अपन को दो चीज याद रखनी है जो रेड एमसीक्यू के रिलेटेड आ सकता है मालिक, एमसीक्यू के रिलेटेड आ सकता है सर, कौन सी इंपॉर्टेंट टू नोट इज स्ट्रेटजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, ये समझ में आया क्या, ओके आपके साउंड आपके अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं देता है, और इसका कारण क्या बताया मैंने, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ओके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट मेरे को कोई बताएगा, ओके थोड़ा सा थॉट से लगाइए मालिक, कोई कोई रीजन बताइए इसके पीछे, रीजन बताइए उसके लिए, रीजन ये है कि अगर कोई मैनेजमेंट है और एनवायरमेंट में चेंजेस हुए हैं, अगर वो अलर्ट नहीं रहा और रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, वो चेंजेस को स्ट्रेटजी में कैसे अडेप्ट करेगा, वो चेंजेस को स्ट्रेटजी में कैसे अडेप्ट करेगा, इसके लिए हमें अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की जरूरत है, लॉजिक क्लियर, दूसरा इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, ओके ये बहुत जरूरी है, ओके स्ट्रेटजी कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकती, ऑप्टिमल नहीं हो सकती, और कितना भी रहा तो भाई साहब ओके वो परफेक्ट नहीं हो सकती, अब ये दोनों अगर थियरी क्वेश्चन आते हैं तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर मैं आगे बताऊंगा लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके मैं आपको बता रहा हूं अगर क्वेश्चन आया और थियोरिटिकल आंसर लिखने को आया तो अपना आंसर लिखने का तरीका क्या होगा,
अगर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैटेजी ओके अगर आपको ऐसा आता है कि स्ट्रैटेजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एक्सप्लेन, तो आपको लिखना होगा कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी होती है रिएक्टिव भी होती है। ओके प्रोएक्टिव मतलब अपने एनवायरमेंट को देख के अपने स्ट्रैटेजी बनाई है, रिएक्टिव मतलब एनवायरमेंट में चेंजेस है उसके हिसाब से अपने को स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है। अब स्ट्रैटेजी बन गई उसके बाद जो अडॉप्टेड अडॉप्शन है या करेक्टिव एक्शंस है ये लेने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का होना जरूरी है, अलर्ट मैनेजमेंट का होना जरूरी है, एंड दैट इज टेक्निकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग। इसका पॉइंट ये रहेगा, यानी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाला कॉन्टेक्स्ट अपन देख रहे हैं मालिक। ओके यानी ये थियरी आया तो क्या लिखना है वो मैं समझा रहा हूं आपको। दूसरा, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ओके इसके बारे में भी आपका आंसर सिमिलर रहेगा कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है रिएक्टिव होती है, इसीलिए स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट होती तो उसको कभी चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मालिक। तो भारत माता की मेरे ख्याल से लॉजिक बैठा मालिक, इट इज अ वेरी नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसी प्रेशर्स एंड अवॉइड फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। यानी भाई यार जो एनवायरमेंट के चेंजेस है उसको अडेप्ट करना ही स्ट्रैटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव है। आत्मा क्लियर? एंड इन ए साउंड स्ट्रैटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड एंटीसिपेटेड इवेंट्स। कोई भी काम करिए साउंड स्ट्रैटेजी के अंदर, ओके कितना भी करिए, प्लान हमने ये रखा है कि अगर ये चेंज हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ कैलकुलेशन में चेंज हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ये लॉजिक उसमें बिठाना चाहिए। ओके तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर कट है कि स्ट्रैटेजी का कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा। ओके तो स्ट्रैटेजी के लिए ये हो गए पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके इसके बाद क्वेश्चन आता है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय कॉर्पोरेट लेवल डिविजनल लेवल फंक्शनल लेवल। इसके पर चर्चा अपन थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़ी देर बाद मतलब कल नहीं परसों, डे आफ्टर टुमारो अपन इसके पर चर्चा करेंगे। ओके तो मालिक फ्राइडे के दिन अपन ये कौन से लेवल, ये तीन लेवल कौन से है, ये तीन के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, ये इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन होगा मालिक। ओके सबसे पहले आ जाते हैं अपन अपने मेन क्वेश्चन की तरफ जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ओके पार्टली प्रोएक्टिव होती है पार्टली रिएक्टिव होती है, और लॉजिक क्या है, अ कंपनी स्ट्रैटेजी इज टिपिकली प्रोएक्टिव मतलब प्लानिंग करके ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी हमारी मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हमारी प्रोएक्टिव प्लानिंग होती है, और रिएक्टिव इज फॉर अनएंटीसिपेटेड डेवलपमेंट्स। ओके मतलब अपने कुछ प्लान नहीं किया होगा, अपने को अचानक कुछ मालूम पड़ा चेंज हुआ, ओके या फ्रेश मार्केट कंडीशन यानी कुछ कस्टमर की न्यू रिक्वायरमेंट आई है इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट, हम उसको उसके हिसाब से अपने चेंज करना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिव। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी है अपनी, समझ में आया, ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी खाली प्रोएक्टिव नहीं होनी चाहिए, प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव होनी चाहिए। ओके आई डू थिंक आपको टेक्निकली लॉजिक बैठा। अब इसको एक छोटा सा पॉइंट अपन देखते हैं। ओके अभी एक नया विजन प्रो लाया है एप्पल ने, एप्पल ने जब विजन प्रो लाया, विजन प्रो का कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर था, वो आप मोबाइल फोन को आप चश्मे के थ्रू डाल दोगे, और चश्मे में मैं आपको बता रहा हूं देयर इज नो कुछ क्लिक करना या कुछ करना ऐसा नहीं है, आपकी रेटिना आइडेंटिफाई करेगी कौन सा ऐप खोलना है, और उसके बाद आप बस ऐसे कुछ प्रेस करोगे दो बार या तीन बार, ओके वो ऐप ओपन हो जाएगा। यानी ये तरह के सेंसर्स उस विजन प्रो में डाले हुए हैं। डेफिनेटली बहुत हाई कॉस्ट होगा, वो 3 लाख 4 लाख के रेंज का विजन प्रो होगा अप्रोक्सीमेटली, और इसका लॉजिक भी सिंपल है यार, आरएनडी का कॉन्टेक्स्ट है, वो आरएनडी का पैसा निकाल रहा है तो विजन प्रो है। ओके आप इमेजिन करिए अगर पब्लिक ने इसको अडेप्ट कर लिया, क्या सैमसंग भी विजन प्रो के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लेके आएगा, क्या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी विजन प्रो के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, 100% लेके आएंगे। यानी अगर मार्केट में कुछ आया, कस्टमर की अडेप्टेबिलिटी आ गई, कस्टमर का रिक्वायरमेंट आ गया, हमको वो मार्केट की जो चीज है उसको लेके आना पड़ेगा, तब जाके अपन मार्केट में सर्वाइव हो पाएंगे मालिक, नहीं तो मार्केट से तो बाहर ही है मालिक। ओके ये लॉजिक ध्यान रखिए मालिक। ओके तो मेरे ख्याल से टेक्निकली आंसर क्लियर मालिक, एवरीबडी की लॉजिक क्लियर मालिक, परफेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट होने के बाद अब वापस उसी चीजों पे चर्चा की हुई है, थोड़ा सा ध्यान देते, ओके उसी चीजों पे चर्चा की हुई है। ओके इन अदर वर्ड्स अ कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज टू कोप अप विद अनसर्टेन बिजनेस एनवायरमेंट। ओके दोनों होना चाहिए, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज प्लान स्ट्रेटजी, वेयर एज रिएक्टिव स्ट्रेटजीज एडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अब यह आपके टेक्स्ट बुक में ये पूरा मार्क कर लीजिए, ओके या आपके नोट्स अभी जो बना रहे हो उसके अंदर ये पॉइंट, ये दो पार्ट, ये जो अभी मैंने येल्लो किया ये पूरा पोर्शन आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि प्रोएक्टिव रिएक्टिव के लिए जो लिखना होगा वो ये आंसर होगा मालिक।
मैं अभी एक क्वेश्चन बैंक जब आपके साथ करूंगा तो उसके अंदर देखना मालिक, ओके ये आपको अपडेट रखना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा मालिक, कैसे क्या करना है क्या नहीं। ओके आई डू थिंक एवरीडे क्लियरली है मालिक। ओके अब ये देखिए ये क्या डिस्कस किए हुए, कुछ और समझाते हैं, बस इसमें एमसीक्यू काम आने वाली कुछ चीजें हैं। सबसे पहला मेरी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव। अब मेरे को बताओ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाना मतलब मैं डायरेक्टली बना रहा हूं या एनालिसिस करके बना रहा हूं, और एनालिसिस कौन सा करता हूं? अगर आपको याद होगा स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, सुना नहीं यस व्हाट, मेरे को बताओ डायरेक्टली स्ट्रेटजी बनाता हूं या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स एनालिसिस करके स्ट्रेटजी बनाता हूं? मैं क्या करता हूं? ओके मैं डायरेक्टली स्ट्रेटजी बनाता हूं या ये सब करके एनालिसिस करके स्ट्रेटजी बनाता हूं? एनालिसिस करके। अब मेरे को बताओ अगर मुझे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स इनका एनालिसिस करना है, क्या मेरी पास हिस्ट्री का डेटा भी मुझे लगेगा? मैं अभी तक क्या, देखो मेरे को स्ट्रेंथ पता करना है तो मैंने अभी तक क्या क्या किया, क्या इसका भी डेटा लगेगा? क्या मेरे पास रिसोर्स है, क्या इसका भी डेटा लगेगा? पॉइंट ये है, यही चीज मैं समझा रहा हूं। ओके पॉइंट में नोट है, देखिए प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट क्या होते हैं, ओके इस डायग्राम से समझिए। ओके प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स क्या होते हैं और रिएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स क्या होते हैं? न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटजी एलिमेंट्स कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड्स। आप जो प्रायर पीरियड से जो चले आ रहे हो और उसके अंदर जो आपके स्ट्रेटजी एलिमेंट्स हैं, न्यू इनिशिएटिव्स उसके अंदर ऐड करते हो आप, आपके जो स्ट्रेटजी एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर आप न्यू इनिशिएटिव ऐड करते हो, खुद से ऐड करते हो, जो आप पुरानी चीजें लेके आ रहे हो और उसको खुद से न्यू एलिमेंट्स ऐड करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। सर मैं इतने साल जो अच्छे से कर रहा था वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो आपका एक हिस्ट्री है जिसको अपन बोलते हैं अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। मेक श्योर आप स्क्रीन पे देख रहे हो बरोबर और स्क्रीन पे बरोबर हाईलाइट समझ रहे हो। आप जो पहले कुछ सालों से करते आते थे उसको हम बोलते हैं अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। तो सर क्या वो काम के नहीं है? वो काम के है। उसके साथ आप नया क्या करने वाले हो, आप वो इनकॉर्पोरेट करिए, तब आप प्रोएक्टिव होते हो। जो मैं इतने सालों से करते आ रहा हूं वही अगर मैं करूंगा तो कोई ये प्रोएक्टिव नहीं बोलते। प्रोएक्टिव मतलब क्या, मैं जो इतने सालों से करके आ रहा हूं उसके अंदर मैं कुछ न्यू एलिमेंट डालूंगा तब जाके इसको प्रोएक्टिव बोला जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक? तो भाई साहब ओके कंपनी के एक्सपीरियंसेस कैसे थे, न्यू आउट रिसोर्सेज कैसे थे, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स? अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स मतलब तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री, ये अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स है। ओके आपको एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, ध्यान रखिए एमसीक्यू, मेक श्योर ये आपको ध्यान में रहे, एमसीक्यू कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है मालिक, एमसीक्यू कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। एवरीबॉडी विद मी? ओके सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है बरोबर, हाँ या ना बताइए मालिक। मालिक गए नहीं ना भाई अपने को, भाई 50 मार्क को तोड़ करना है मालिक, मालिक 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 तोड़ मालिक, समझ में आ रहा है मालिक? ओके तो भाई साहब टेक्निकली मेरे को बताइए, ओके अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास, मैं बहुत सक्सेसफुल रहा हूं सर, क्या ये मेरी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है? मैं बहुत सक्सेसफुल रहा हूं, क्या ये मेरी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है? नहीं, मैं बहुत सक्सेसफुल रहा हूं, ये मेरा अबंडेंस स्ट्रेटजी एलिमेंट है, लेकिन अगर इसमें मैंने चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया, अब मैं प्रोएक्टिव बन रहा हूं, न्यू इनिशिएटिव्स ऐड किए, चेंजेस मतलब न्यू इनिशिएटिव, इसको हम बोलते हैं ओके के भाई प्रोएक्टिव एलिमेंट। अब प्रोएक्टिव एलिमेंट के अंदर अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं उसको अडॉप्ट करना, उसको अडॉप्ट करना इज नथिंग बट रिएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। तो आपको समझा होगा तीन स्ट्रेटजी एलिमेंट्स क्या है, पहला है अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, दूसरा है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, तीसरा है रिएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। मिस मत करना आंसर को। ओके मैं आपको बोल रहा हूं तीन आंसर कौन से है, अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, रिएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। वापस चाहिए मेरे को तीन आंसर, अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, रिएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। आर यू क्लियर मालिक? तो अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स क्या है, अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स जो पास हिस्ट्री है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स जो अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स है उसके अंदर न्यू इनिशिएटिव ऐड करना, और रिएक्टिव जो चेंजेस है उसको अडॉप्ट करना। अगर आप कर ये सारी चीजें करोगे तो आपके हाथ में जो रहेगी वो रहेगी ओके लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी, एक्चुअल स्ट्रेटजी। तो आपकी एक्चुअल स्ट्रेटजी कितनी चीजों से बनी है, तो एक्चुअल स्ट्रेटजी कितनी चीजों से बनी है भाई मालिक, एक्चुअल स्ट्रेटजी कितनी चीजों से बनी है? तो देखो टेक्निकली अभी तक क्या था, स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ये तो कॉन्टेक्स्ट है, वैसे ही रखना है सर, इसमें चेंज मत करना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं एक्चुअल स्ट्रेटजी तो इसके लिए लोग बोलते हैं जब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव बनाते हो तो इसके अंदर कुछ चीजें होती है जो पुरानी होती है अपनी, उसको भी अपन कंसीडर करते हैं बट वो प्रोएक्टिव है, इसको अपन बोलते हैं अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। तीन चीजें जो बनी है, इज द पॉइंट क्लियर? तो लेटेस्ट स्ट्रेटजी विल इंक्लूड अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, एड
Okay, proactive strategy elements. Okay, adapt reactive strategy elements and then becomes a latest company strategy. तो भारत माता की जय। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो अभी तक अभी क्लैरिटी है। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं लेटेस्ट स्ट्रैटेजी लाना चाहता हूं, लेटेस्ट स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू क्या रहेगा? अबंडन स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स प्लस प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स प्लस रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स इज इक्वल टू ओके लेटेस्ट स्ट्रैटेजी। ये ध्यान रखना जरूरी मालिक। ओके, तो अब ये कॉन्टेक्स्ट आया तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? इसका मतलब होता है पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो सर इसको एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, स्ट्रैटेजी पार्टली इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव स्टैंडिंग एज टू द प्रोडक्ट ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अबाउट कंपनी सिचुएशन एंड इट्स कंक्लूजन अबाउट हाउ टू पोजिशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस एंड टैकल द टास्क ऑफ कंपीटिंग फॉर बायर्स पैट्रोनेज। ओके, यानी भाई साहब प्रोएक्टिव करना है ताकि अपने प्रोडक्ट को ऐसी पोजिशन में ला सके ताकि बायर का फेथ, मेरे जो कंज्यूमर्स है उनका फेथ मेरे पर आ सके। लेकिन आपको ऑलरेडी अगला पैराग्राफ वापस सिमिलर जा रहा है मालिक। हाउएवर नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग डेलिबरेट मैनेजमेंट डिजाइन थिंग्स हैपन दैट कैनॉट बी फुली एंटिसिपेटेड और प्लान फॉर व्हेन मार्केट एंड कॉम्पिटेटिव कंडीशन टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न और सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी हिट्स ओके अ स्टोन वॉल सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। Hence, partially company strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen development in the business environment as well as situation within the firm. Okay. Okay, everybody clear? Okay, Malik. Totod Malik. Okay. तो टेक्निकली स्पीकिंग ओके मैं आपको ये चीजें मतलब ये लॉजिक आपको समझ में आ गया मालिक, कोई दिक्कत इसमें? तो स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव का लॉजिक समझा मालिक। बस इसी कॉन्टेक्स्ट को आपको कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है कि भाई स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मालिक। ओके, तो टू बी वेरी प्रिसाइज, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी दस इन्वॉल्व स्टिचिंग टूगेदर प्रोएक्टिव इंटेंडेड स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस एंड देन अडेप्टिंग पीसेस ऑफ सक्सेसफुल रिएक्शंस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द कंपनी सिचुएशन चेंज और बेटर ऑप्शंस इमर्ज रिएक्टिव और अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको ध्यान में रख गया मालिक। तोड़ मालिक भारत माता की जय मालिक। तो भाई साहब मेरी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए। ओके, प्रोएक्टिव रिएक्टिव। ओके, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में से एक और एक कॉन्सेप्ट इसके एक डिस्कशन में आ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू आगे वाला कॉन्सेप्ट के स्ट्रेटजी का कैसे रहेगा। सुमित भाई आप एक काम कर लो, प्लीज निकल लो ना, आपकी व्यू बढ़ा रहे मेरा एक, आप प्लीज मेरा एक व्यू मत बढ़ाइए और निकल जाइए। ओके, अगर आपको कुछ करना है तो भाई यार जो करना है करिए, बस कमेंट मत करिए, मतलब तुम वापस मेरे 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 सर्कमस्टेंसेस को मत करिए। ओके, और अगर मतलब सही बोल रहा हूं, मतलब मम्मी पापा है क्या तेरे के, मतलब किसी और के, मतलब क्या किसी कुछ चालू है, मतलब किधर की पैदाइश है तू? क्योंकि जब तेरे को ये दिया ना, ओके मतलब कहां की पैदाइश है, मतलब कहां की पैदाइश है, मतलब गटर की नहीं ना, गटर में पैदा हो गया कि मम्मी पापा? सुमित आगे पूरा नाम है कि नहीं? ओके, तो टेक्निकली मैं सीधा हिसाब बोलो, निकल जा, व्यू मत बनाने में मत रहे और तू इधर ये पंचायती मत कर, और तेरे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ओके मेरे से मिल, ओके मैं बात करता हूं तेरे से, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो तोड़ मालिक बिंदास निकल जाए, वैसे एक झटके में निकल जा, क्योंकि अगर मैंने अगर पता किया टेक्निकली, मैं बहुत ये पॉइंट में बहुत एकदम टेक्निकल आदमी हूं ओके, और ये पॉइंट पे रहा, और मैंने पता किया कि तेरा आईडी क्या है क्या नहीं है, तेरे को कौन से साइबर एक्ट के अंदर कितने टाइम तक कितने ठोकूंगा तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको मालूम पड़ना चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ में मैं आईटी एक्सपर्ट हूं, समझ रहा ना तू? और आईटी लॉयर्स एंड अदर थिंग्स मेरे साथ में आराम से, तो बिन मतलब का चला जाएगा। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए या रिएक्टिव होनी चाहिए?
तो आपका आंसर क्या रहेगा? अब आंसर क्या रहेगा? ओके सर, तो आंसर मैं वापस बोलूंगा एकदम क्लियर रहे सुमित, अगर मैंने पता कर लिया बहुत ब्लंडर में जाएगा मालिक। मतलब मैं तेरे को बोल रहा हूं, मतलब फिर मैं अपने पे आ गया ना, अरे मैं बहुत ये सीन है। बस मेरे को मेरे अपने पे मत आने दे, बस तू निकलना भाई यार, मेरे को समझ। और मैं तुमको बाकी सब जो देख रहे हैं ना, जितने भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं आपको बताओ, देखो अब वो मेरे को बोल रहा है कि भाई यार इधर, अब मेरे को बताओ वो इधर रह के क्या कर रहा है, वो खुद ऐसे पंचायती करने से अच्छा। और मैं आपको बता दूंगा, मतलब इफ यू आर नॉट अवेयर, मैंने आपको कल वैसे बताया ना, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई एम सीसा क्वालिफाइड, आई एम डीसा क्वालिफाइड, आई एम सीसम क्वालिफाइड, आई एम बीसीसीबी क्वालिफाइड, ओके। और इस स्ट्रक्चर बीसीसीबी क्वालिफाइड, दिस ऑल स्ट्रक्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आईटी। तो आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो देखो मैं खुद होके कुछ इनिशिएटिव नहीं करता, रीजन सिंपल है, मेरे को क्या करना। लेकिन अगर करियर बर्बाद, मतलब ये पॉइंट पे आएगा, कुछ और हैरेसमेंट होएगा बिन मतलब का, तो फिर क्या करेंगे अपन। ओके तो अब मेरे को बताइए सर, ओके अब मेरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, डू यू एग्री? अगर आपका आंसर यस है तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि इसमें से मसाला क्या लिखना है। अब मतलब आपने देखा डेढ़ पेज का आंसर है, तो मसाला क्या लिखना है, क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब आप कौन सा मसाला लिखोगे, क्वेश्चन पॉइंट ये बनता है मालिक। क्वेश्चन पॉइंट ये बनता है मालिक, देखो आप ये बताइए, मतलब क्या लिखोगे, क्या लिखना क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है। याद रखना, ओके आप क्लियर कट रहिए, ओके इट विल बी स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट मतलब कौन सा वाला, आप ये वाला पोर्शन ध्यान रखिए। मैं आंसर के हिसाब से जा रहा हूं, ये पहला पोर्शन आप ध्यान रखोगे जिसमें आपको टिपिकली ये लिखना है, ये आप ध्यान रखिए पहले, तो इसको याद रखिए, इसको रख लीजिए, ये आपको आपको इसके अंदर अपडेट करना है। फिर इसके नीचे वाला जो पोर्शन येलो में किया हुआ है, ये आपको अपडेट करना है, ओके ये दो पार्ट आपने क्लियरली रट लेने हैं, ओके इज्जत से रट लेने हैं, ये दोनों पार्ट आपको क्लियरली रट लेने चाहिए, ओके इसके बाद वाला जो पिंक वाला पोर्शन है, ये जो पिंक वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। और एक चीज है, ओके मैंने आपको कल ऑलरेडी कम्युनिकेट कर लिया है, ओके ये आप पहले लेक्चर में देख चुके हो, ओके इसकी लिखी हुई शीट्स, इसके जो मैं कुछ लिखता हूं या कुछ जो भी पॉइंट करता हूं, ये जो मार्क वाली शीट है, ये मैं आपके गूगल ड्राइव पे स्टोर करने वाला हूं। यानी अगर बाई चांस आपसे मार्किंग मिस हो गई है या आपकी टेक्स्टबुक आगे पीछे है, तो आप बोलोगे सर मेरे मार्किंग में कैसे रहेगा, तो ये मुझे कहां से मिलेगा, तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी, आपको ये इसकी मैं ये सॉफ्ट कॉपी, ये जो मार्क वाली सॉफ्ट कॉपी है, मैं शेयर कर दूंगा कहां पर, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल मतलब अपने ड्राइव पे, सॉरी ड्राइव पे, अपने ड्राइव पे मिल जाएगी, ड्राइव से आप वो डाउनलोड कर सकते हो मालिक। तो अगर आपको ऑलरेडी आप मार्क कर रहे हो तो दैट्स इट, फेयर इनफ, नहीं कर रहे हो तो आप इसमें से देखना आंसर, ये दो पार्ट होने चाहिए, दिस पार्ट विल बी एन आंसर फॉर स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव प्लस पार्टली रिएक्टिव, जो भी केस स्टडी में आए, ओके केस स्टडी में आए या कैसे भी आए, ओके आप ध्यान रखना, ओके इसी के कंटेक्स्ट में जाने वाला है, भारत माता की जय, आत्मा क्लियर, ठीक है, ओके अब इसके बाद और ये और दो कॉन्सेप्ट है, ओके ये सिलेबस इन्होंने कुछ एग्जांपल समझाया हुआ है, समझ लीजिए चेंजेस के बारे में, और चेंजेस के बारे में आपको टेक्निकली बहुत अच्छे से आना ही चाहिए मालिक, ओके तो चेंजेस के बारे में क्या क्या बोलते हैं देख लेते हैं। स्ट्रेटजी हेल्प्स अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ओके कॉज बाय चेंजेस इन एनवायरमेंट, ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग देम बाय एग्जीबिटिंग रिवोल्यूशनरी आइडियाज, ओके इट वुड बी पर्टिनेंट टू मेंशन वन ऑफ द सच एग्जांपल, यूपीआई, जो अपना इंडिया का कॉन्टेक्स्ट यूपीआई में कॉन्टेक्स्ट हुआ है, ओके यूपीआई हैज चेंज्ड द एंटायर डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप इन इंडिया एंड हैज नाउ इवन गॉन ग्लोबल,
यूपीआई केस में अ ट्रू एग्जांपल ऑफ मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ वेल प्लान्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी पुटिंग इन टू परफेक्ट एग्जीक्यूशन यानी हमने समझा इसके प्रॉब्लम क्या है हमने ये भी समझा कि इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे और इसके लिए परफेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होगा ये कुछ भी आंसर नहीं है आपका ये सिर्फ समझने के लिए इज दिस स्ट्रेटजी ओके ये भी आपको एक दिया हुआ है केचप ब्रांड मेकिंग हेल्दियर केचप आज के डेट में मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा ओके आपको सबको ये मालूम होगा कि भाई यार कितना भी कर लो आज हेल्थ फ्रीक्स हो गए क्या हेल्थ फ्रीक्स में अगर केचप वाला कुछ लेके आता है हेल्दियर केचप क्या वो मार्केट में बहुत तोड़ सर्वाइव करेगा आंसर इज यस मालिक सर एक बार एबंडेंस स्ट्रेटजी का मतलब बता दो एबंडेंस स्ट्रेटजी मतलब ऐसा डेटा जो हमने पास में अच्छा मेरे को बताओ क्या पास में बिजनेस नहीं किया अपने बेटा क्या पास में बिजनेस किया या नहीं किया क्वेश्चन एकदम सिंपल है क्या पास में बिजनेस किया या नहीं किया पास में बिजनेस किया होगा अपन ने ओके तो क्या पास में भी अपन ने स्ट्रेटजी बनाई थी क्या पास में भी स्ट्रेटजी बनाई थी पास में भी तो स्ट्रेटजी बनाई होगी वो स्ट्रेटजी इज नथिंग बट अबंडेंट स्ट्रेटजी क्योंकि अभी आज के डेट में वो रिलेवेंट स्ट्रेटजी नहीं है तो जो आपने पास में स्ट्रेटजी बनाई उसमें न्यू चीजें इन्वॉल्व की हम इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव और चेंजेस इन एनवायरमेंट का इसमें अडेप्ट किया इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव तो अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट मतलब जो पुरानी चीज है जो मेरे पास थी यानी एग्जांपल मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है मेरे पास जो रिसोर्सेज है मेरी स्ट्रेंथ है वीकनेस है और मेरी कैपेबिलिटी है दिस इज नॉट नथिंग बट अबंडेंस का स्ट्रेटजी अबंडेंस स्ट्रेटजी एलिमेंट्स जिसको मैं टेक्निकली ऐसा भी बोल सकता हूं ये है आपका स्ट्रेंथ वीकनेस वो डेटा स्ट्रेंथ और वीकनेस का डेटा समझ में आया मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस का डेटा इज ऑल्सो माई स्ट्रेटजी ओनली ना बट दैट इज एन अबंडेंट स्टडी एलिमेंट अबंडेंट मतलब ओके आज वो रिलेवेंट नहीं है आज मैं उसको न्यू इनिशिएटिव डालना पड़ेगा समझ में आ रहा है ओके और एक चीज देखिए यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी क्या होता है अबंडेंट स्टडी एलिमेंट ओके अपन उसको प्रोएक्टिव बना देते हैं ओके प्रोएक्टिव बना देते मतलब हम प्रोएक्टिव समझते हैं देखिए मैनेजमेंट की गड़बड़ क्या होती है मैं आज तक इतने साल जो काम किया मैं बहुत तोड़ सक्सेसफुल था तो अगर आगे भी ऐसा काम किया मैं तोड़ सक्सेसफुल रहूंगा समझ में छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूं मैं जैसे 10 साल पहले पढ़ाता था मैं जैसे 10 साल पहले पढ़ाता था ओके उस टाइम पे तोड़ सक्सेसफुल था आज भी मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं तोड़ सक्सेसफुल रहूंगा क्या यह बोलना सही है मालिक मैं 2010 में जैसे पढ़ाता था उस टाइम पे जो जैसे पढ़ाता था ओके 2010 में जैसे पढ़ाता था और आज जैसे मतलब मैं वो पढ़ाता था वो सक्सेसफुल था आज जैसे पढ़ाऊंगा ओके अगर मैं वैसा पढ़ूंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा क्या ये बोलना सही है नहीं दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट रीजन सिंपल है क्योंकि उस टाइम का एनवायरमेंट अलग था आज का एनवायरमेंट अलग है तो वो मेरे लिए अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स हो गए लेकिन क्या वो मुझे काम आएंगे यस उसके अंदर मेरे को क्या अडेप्ट करना है न्यू चीजें मुझे न्यू चीजें ऐड करनी है न्यू इनिशिएटिव ऐड करने हैं अब जब न्यू इनिशिएटिव ऐड करूंगा तो मैं प्रोएक्टिव हूंगा लेकिन मैं देखूंगा मार्केट में तो और कुछ चीजें चेंज हो रही है अब मार्केट में और कुछ चीजें चेंज हो रही है तो उसको भी ऐड करूंगा इसको बोलते हैं अपन रिएक्टिव यानी मैं 10 साल जैसे पहले पढ़ाता था वो तो मैं आज उसमें डाल रहा हूं पर उसमें न्यू इनिशिएटिव भी डाल रहा हूं न्यू इनिशिएटिव डालने के बाद मैं काम कर रहा हूं ये प्रोएक्टिव है न्यू इनिशिएटिव मतलब मैं खुद सोच रहा हूं मैं खुद प्लान कर रहा हूं और एक एनवायरमेंट में चेंज हुआ इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूं यह होता है रिएक्टिव तो मैं खुद सोचना नए चीजों से मैं खुद नए सीरियस से सोचना मैं खुद नए एग्जांपल से सोचना इसको हम बोलते हैं ओके प्रोएक्टिव न्यू इनिशिएटिव डालना झेपा मालिक झेपा आई डोंट थिंक एवरीबॉडी क्लियर ये सबको झेपा ओके मेरे ख्याल से ये तोड़ झेपा मालिक ये लॉजिक बैठ गया दिमाग में सबके तो यहां पर अपनी कहानी खत्म होती है स्ट्रैटेजिक की स्ट्रैटेजी तो सर इसमें से आज के ये स्ट्रैटेजी वाले पोर्शन से अपन ने क्या क्या आंसर निकाले तो मैं आपको डेटा बता देता हूं सबसे पहले अपन ने निकाला स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन उसके बाद एनसॉफ और ग्लूक इनके डेफिनेशन इसके बाद अपन ने स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए रिएक्टिव होनी चाहिए ये अपन ने डिस्कशन किया इसके ऊपर क्लोज किया इसके बाद मैंने बताया लेटेस्ट स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन कितने से बनेगा तो अपने को तीन चीजों से कॉम्बिनेशन बनेगा एबंडेंट ओके प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्चुअली देखा जाए तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव है लेकिन प्रोएक्टिव रिएक्टिव के लिए जो डेटा लाएगा वो कौन लेके आएगा वो अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स लेके आएगा ओके ये होने के बाद आपके लिए लॉजिक आता है ओके जो स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट है ओके स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए उसके लिए बाकी पंचायती डिस्कशन अपन ने किया दैट्स इट दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट ओके अगला पार्ट आता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट
स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का डेफिनेशन मैंने कल रटाया था, वही चीज आपको तोड़ याद रखनी है। व्हाट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस, याद रहेगा, ऑफ डेवलपिंग ए स्ट्रेटजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, इवैल्यूएटिंग एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स व्हिच डीम्ड एप्रोप्रिएट। तो यानी ये डेफिनेशन कल जो किया था उसी को याद रखना स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट में। ओके, ये पॉइंट अपना एक लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, आज अपन इसको क्लोज करेंगे। ओके, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसके बाद अपन इस लेक्चर रन करेंगे कल सुबह। ओके, विल क्लोज बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ओके, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड विल गो ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड विजन। तो कल अपन का एजेंडा रहेगा ये तीन चीजें क्लोज करना, विजन होगा, मिशन भी आ जाएगा, एंड डे आफ्टर टुमारो विल कॉन्सेप्टली क्लोज ओके ऑब्जेक्टिव एंड अदर एलिमेंट एंड स्ट्रेटजिक इंटेंट। ओके, एंड उसके साथ में लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो डे आफ्टर टुमारो में वो क्लोज हो जाएगा, उसके अगले दिन पे अपनी कहानी लास्ट क्लोज हो जाएगी चैप्टर की। मालिक सबसे आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बस आप एमसीक्यू एंड थियोरेटिकली ध्यान रखिए क्या क्या करना है। तो मेरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस डज नॉट एंड हियर, इट कीप्स ऑन साइक्लिक मैनर। तो मेरे को बताओ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के जो पांच स्टेप्स बताए थे, देखो आपको याद होने चाहिए पांच स्टेजेस, पर ये पांच स्टेजेस में से वो एक एनालिसिस नहीं है डेफिनेशन में, बस तो दिखते वक्त थोड़ा स्केप्टिकल रही है, समझ में आ रहा है, स्केप्टिकल रही है मतलब कैसा, ओके यार वो पांच स्टेजेस जब मैं पूछू तो उसके अंदर एनालिसिस आता है, जब मैं डेफिनेशन लिखू तो उसके अंदर एनालिसिस लिखना नहीं है, जो जैसा दिया है बुक ने वैसे ही रखेंगे अपन, यार अपन क्यों एडिशनल डिमांड लगाएंगे और एडिशनल कुछ क्यों ऊपर नीचे करेंगे। ओके, अब सवाल उठता है सर क्या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमारे लिए काम का है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, क्योंकि अगर अब आप बोलोगे, देखो आपने बोलना अमित आदर तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, और आपने बोलना अमित आदर तुम्हारे पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सारी आत्मा एकदम तोड़ कर लो। अगर आप बोल रहे हो अमित आदर तुम्हारे पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, इसका इंटरप्रिटेशन है अमित आदर के पास वो पांच स्टेप्स है। आप समझो लॉजिकली समझो, यानी अमित आदर विजन बनाता है, मिशन बनाता है, गोल्स बनाता है, एनालिसिस करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, उसको इंप्लीमेंट करता है और उसके बाद उसको इवैल्यूएट करता है और करेक्टिव एक्शंस भी लेता है। तो अमित तातेड़ के पास, अगर मैंने बोला अमित तातेड़ के पास एसएम है, देखिए लॉजिक टेक्निकली अगर अमित तातेड़ स्ट्रेटजी है तो स्ट्रेटजी अलग हो गया, स्ट्रेटजी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं अमित तातेड़ के पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, इसका मतलब अमित तातेड़ ओके जो पांच स्टेप्स कर रहा है भारत माता की, समझा क्या मालिक, यानी अब मेरे को बताओ ये पांच स्टेप करने से मैं खाली प्रोएक्टिव बनूंगा या रिएक्टिव भी बनूंगा। ये पांच स्टेप करने से ओके मैं खाली प्रोएक्टिव बनूंगा या रिएक्टिव भी बनूंगा, मैं खाली प्रोएक्टिव भी बनूंगा या रिएक्टिव भी बनूंगा मालिक, मेरे को बताइए। ब्लेंड बनेंगे, परफेक्ट ब्लेंड बनेंगे, यानी मैं जब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट करूंगा तो मैं ब्लेंड रहूंगा, मैं प्रोएक्टिव भी रहूंगा रिएक्टिव रहूंगा। सर कैसे प्रोएक्टिव रहूंगा, मैं जो पहले चार स्टेप कर रहा हूं प्रोएक्टिव है और जब लास्ट में इवैल्यूएट करके करेक्टिव एक्शन ले रहा हूं वो रिएक्टिव है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यानी पॉइंट भी नोटेड। ओके, यानी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का मकसद क्या होगा, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का मकसद होगा प्रोएक्टिव रहिए और रिएक्टिव रहिए। अब क्वेश्चन है प्रोएक्टिव रहना क्यों चाहिए, मेरे को बताइए प्रोएक्टिव रहने से क्या मेरे को मार्केट में एडवांटेज मिलेगा, आंसर यस, इसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा आपको मिलना, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा आपको मिलना दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ओके, क्या बोला मैंने, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा आपको मिलना। ओके, और इसको थोड़ा मैं टेक्निकली एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं, ए बी सी डी, सपोज एक इंडस्ट्री में चार कंपनी काम कर रही है, ओके ए का शेयर 35% है, बी का शेयर 30% है, ओके सी का शेयर ओके 28% है, ओके आप ये समझना शुरू, ये तीन के परसेंटेज में आप ध्यान में रखना, ओके ये 28% है तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 65 है 30 ओके 95 में दो का तो 7% बी का हो गया, आत्मा क्लियर। तो यूजुअली इंडस्ट्री एवरेज अगर आप निकालोगे तो एक्चुअली देखा जाए तो इंडस्ट्री में चार जन है, तो अगर मैं इंडस्ट्री निकालता हूं 100 रुपए की इंडस्ट्री है और चार जन में डिवाइड करता हूं तो 25 आता है हर जन का शेयर, टेक्निकली ये सही नहीं है मालिक। ओके, क्योंकि ये इंडस्ट्री एवरेज जब निकाला जाता है तो ये डेफिनेटली डी को इग्नोर किया जाना चाहिए, डी कैन नॉट बी कम इन टू इंडस्ट्री एवरेज। ओके, अब ये कौन एनालिसिस कर रहा है उसके हिसाब से होगा, डेफिनेटली अगर डी कर रहा होगा तो उसके लिए अलग ही है, उसके लिए इंडस्ट्री एवरेज निकालने का टेक्निकल आंसर अलग होगा, लेकिन जब ए कर रहा होगा इंडस्ट्री एवरेज, ओके क्योंकि देखो अगर आपने 100 डिवाइड बाय 4 किया 25 आया तो देखा तो ए बी सी तीनों को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ऐसा थोड़ा ना होगा यार,
कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मेजोरिटी ऑफ शेयर सिर्फ कुछ जनों, मतलब एक दो जन, पांच छह जन के पास नहीं होता है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है जिसके पास कोर कॉम्पिटेंसी होती है, बहुत बेहतरीन कॉम्पिटेंसी होती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो ये इंडस्ट्री एवरेज निकालने का सही तरीका नहीं होगा, ए के लिए या बी के लिए या सी के लिए। तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, वो 100 डिवाइड बाय 3 करेंगे, और किसको किसको निकाल देंगे, बी को निकाल देंगे, और 100 डिवाइड बाय 3 करेंगे, जिसका आंसर आएगा आपके लिए 33%, जिसका अभी 33% के ऊपर है उसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। तो टेक्निकली कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किसको है, खाली ए को। अगर हम पहले वाले मेथड से जाते तो अगर देखा जाए तो एबीसी तीनों होता है, जबकि लॉजिकली वो नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा आपको मिलना, और ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बहुत बेहतरीन होता है मालिक। तो फिर क्या है, एक दो तीन ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं आ सकता। देखिए डिफर कौन किसके हिसाब से, कौन किसके एंगल से ये कैलकुलेशन करता है, उसके हिसाब से ये चीजें बनती है। बट टेक्निकली ओके, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जब ए निकालना चाहेगा तो उसका एक तरीका होगा, बी और सी निकालना चाहेगा उसका एक तरीका होगा, जो कि अलग अलग तरीके में बैठेगा मालिक। तो मेरे ख्याल से टेक्निकली भारत माता की जय, समझ में आएगा मालिक, एवरीबॉडी अंडरस्टूड योर लॉजिक। तो इसीलिए द स्टडी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव याद रखिए, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी मैनेजमेंट इज टू फोल्ड। सबसे पहला, वो मुझे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लाने में मदद करता है, समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय कस्टमर, क्योंकि अपने को कस्टमर पैसे देते हैं। ओके, कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हैं अपन इसको। That company can outperform the competitors, okay, in all aspects of organizational performance. मैं हर एक competitor को outperform कर सकता हूं, यानी customer मुझे prefer कर रहा है, this is called okay, it's competitive advantage. And second, to guide the company successfully through all changes in environment. Okay, तो मेरे को बताओ, to guide company, okay, to guide company successfully through all changes in environment. ये तो reactive हो गया मालिक, ये तो reactive वाला concept आ जाता है मालिक। पहला वाला क्या आता है, proactive, यानी आपको competitive advantage मिलेगा। बट मेक श्योर ये आपको ध्यान में रहे, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आने के लिए मुझे कोर कॉम्पिटेंसी का होना जरूरी है। किसका जरूरी है, कोर कॉम्पिटेंसी। अभी शायद जिसने ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस पढ़ा हुआ तो उसने कहीं ना कहीं ये शब्द पढ़े होंगे, जिसने नहीं पढ़ा होगा, जो पहली बार ये बैच देख रहा है, तो डोंट वरी, ये अपन चैप्टर 3 के अंदर देखेंगे कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है। थोड़ा सा जिक्र मैं कल जब बेनिफिट्स पढ़ाऊंगा तो बेनिफिट्स के अंदर उसका जिक्र है, पर वो टाइम पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ओके, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, अभी के लिए इतना याद रखिए, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब क्या, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा आपको मिलना, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा आपको मिलना इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एम आई क्लियर? ओके, तो मेरे को बताओ, अगर मैं प्रोएक्टिव रहा, ओके देखो, प्रोएक्टिव मतलब मैंने एनवायरमेंट को देख के चेंजेस नहीं किया, एनवायरमेंट को देख के मैंने नई चीजें लाई है। अब जब नई चीजें लाई है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है बहुत बार। अब समझे, जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है तो डोंट यू थिंक बाकी सबसे ज्यादा शेयर मुझे मिलेगा, डेफिनेटली। उसके बाद तुम कितना सर्वाइव करते हो, कितना सस्टेन करते हो, तुम्हारा आरएनडी कितना अच्छा है, सब उसके ऊपर रहता है मालिक। बट दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑलवेज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो मालिक दो चीजें ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ओके दो है, कौन से दो है। तो पहला पॉइंट है टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एंड सेकंड टू गाइड द कंपनी। तो सर आज का एजेंडा क्या क्या हुआ, आज अपन ने क्या क्या किया, आज पहले सबसे पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशन किया, सेकंड स्ट्रेटजी का डेफिनेशन किया, स्ट्रेटजी के इसमें एनसॉफ का भी डेफिनेशन किया, ओके ग्लूक का भी डेफिनेशन कवर किया। उसके बाद मैंने स्ट्रेटजी के स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, स्ट्रेटजी ओके कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट, ओके एंड स्ट्रेटजी कैन नॉट बी परफेक्ट। उसके बाद मैंने स्ट्रेटजी का प्रोएक्टिव रिएक्टिव का आंसर डिस्कस किया, ओके और उसके बाद थोड़ी सी पंचायती की, एंड और एक कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, एक क्वेश्चन खत्म किया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और बताया मालिक, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कितने ऑब्जेक्टिव है, ओके दो, टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एंड सेकंड पॉइंट टू गाइड द कंपनी। भारत माता की जय, एवरीडे क्लियर मालिक। कल अपन जब चालू करेंगे तो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अपन बेनिफिट्स करेंगे, कल का लास्ट लेक्चर है यूट्यूब पे। आज अपनी टीम से, सारे जन टीम से कम्युनिकेट कर लीजिए, ओके आप ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हो मेरे ख्याल से, ओके तो अपन टीम से कम्युनिकेट कर लेंगे, मैं ये टीम को बोलूंगा। और आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना क्या है उसका वीडियो बना दिया है, तो वो आपको भेज देगा, तो आप वो ऐप डाउनलोड करिए, ओके और सीरियल की डालिए, और कल नहीं परसों के बाद, कल का और एक लेक्चर रहेगा यूट्यूब के ऊपर, ओके परसों के बाद मतलब डे आफ्टर टुमारो, यानी ऑन फ्राइडे, फ्राइडे ऑनवर्ड्स अपन ऐप के ऊपर शिफ्ट होंगे मालिक। फ्राइडे से आप ऐप पे रहोगे, और ऐप पे कैसे दिखना है टेंशन लेना नहीं है, ओके डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, ऐप डाउनलोड कर लिया, सीएसीएस अभी तक ऐप है वो डाउनलोड किया, उसके बाद सीरियल की रजिस्टर करिए, और जैसे ही मैं इधर से लाइव क्लिक करूंगा ना, ओके आपको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव अमित लाइव आ गया है, ओके और लाइव आ गया फिर आपको ज्वाइन करना, बस आपको ज्वाइन को क्लिक करना है, आप ज्वाइन हो जाओगे अपने आप ही। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर हैपेंस हियर मालिक, आत्मा क्लियर? तो आस्था लाभ मालिक, तो भारत माता की जय, तोड़ कल मॉर्निंग को मिलते हैं मालिक।
बाय मलिक, बाय बाय बाय। चाय बनाई क्या? हाँ चाय पीता हूँ, सिर्फ बारी अगर बहुत भूख लग जा रही है यार सुबह से। नहीं मेरे लेक्चर